नमस्कार भैया बहनी, अपना पंचे देख रहा है विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। कार थमा के महाशिवरात्रि माही भगवान शंकर के माता पार्वती के साथ विवाह भा रहा और यहीं से रात में भगवान शंकर के बारात निकाली जाती है। अपने बताए के रीवा जिला माही बारात निकाले के यह परंपरा 12 साल से चली आवल्ला ही है। महाशिवरात्रि के अवसर माही बैजू धर्मशाला से शिव बारात निकाली गई, जोने के जगह जगह स्वागत भा। इस समय शिव भक्त नाचत और गावत शिव भक्ति में सराबोर दिखाने आई। अपनों को दिखाई थे शिव बारात के कुछ झलकी और सुनाई थे आयोजक मंडल का कि उनकर का कहा भवे। दिख रहा है भगवान का झांकी विशाल रूप ले चुका है। देखिए पूरा रीवा जगमग है, आसमान सूर्य सब भगवान दर्शिक है और सब लोग मंगल गान कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि इस बार नहीं होगा, भगवान ने कहा देर है पर अंधेर नहीं है, इस कायाकल्प को कर दिया है। देखिए पूरा रीवा की जनता उमड़ चुकी है और आनंद ही आनंद हो रहा है सब जगह। वो प्रभु की क्या इच्छा है, उस घटना से हम क्या कर पाएंगे, प्रभु की इच्छा क्या है हम लोग क्या कर पाएंगे आप बताइए। पिछले साल नहीं मनाया गया था, मनाया गया इसी तरह धूमधाम, इसी धूमधाम हर साल मनाया जाता है। मनाया गया था उस समय भी, कभी नहीं, 12 साल से लगातार चल रहा है। कोरोना के पहले बना लिया, कोरोना बाद में आया, इस बार कोरोना पहले आके बाद में किया जाता है। ये सब अरे हम कौन है, हम तो माटी है, ये तो सब पूरा रीवा की जनता और उसी वक्त करते हैं कार्य को, मेरी तो औकात नहीं करने। सतना माही महाशिवरात्रि के पावन अवसर माही बिरसिंहपुर के गैबीनाथ माँ धूमधाम से आयोजन की चाला है। अपना को बता दी के दरकी नगर परिषद विशेष रूप से व्यवस्था कई के महापर्व का यादगार बनावे किला ने दीपोत्सव मनाई। नगर परिषद गैबीनाथ धाम में 11,000 दीपक जलाए के भगवान शिव के बारात निकाली और विधिवत उनकर विवाह संपन्न कराई। आप लोगों द्वारा पूरा गैबीनाथ धाम हो रहा है, श्रद्धालुओं भक्तों माताओं बहनों साथ में आए नगले मुन्ने बुलेटिन की अगली खबर ही वह रीवा जिला से जहां के रहे वाले गौ सेवक राम कलेश यादव अपने 15 सदस्य के टीवन के साथ गाय के सेवा करे के बीड़ा उठाई है। रिश्तेदार का ही रेलवे स्टेशन से मोटरसाइकिल पर लेके लौटे वाले युवक के ऊपर 20 सड़क में हमला करके उनकर हत्या कई दिन गई। अपना बताई दी कि हमलावर चार पहिया वाहन से आए रहे और पीछा करके युवक का पनवार थाना में रोक के हमला करी। वहां यह घटना में ही अब SDOP डभौरा समरजीत सिंह परिहार ये घटना का अवैध संबंधन के कारण हो पता वाला हमा। पत्रकार से बातचीत के दौरान वो कहीं के पत्नी के अवैध संबंधन के कारण रवि मिश्रा के हत्या की गई है। जहाँ हत्या में जौन आदमी शामिल हमा उम्र तक के रिश्ते में साढ़ू बतावल्ला हमा, वह हत्या में ही पत्नियों का आरोपी माना जा रहा है। मतलब कि आपके क्या संबंध थे? हमारा चचेरा भाई। क्या कैसे वारदात हुई थी, कब मतलब क्या हुआ था? कल 8-9 बजे के बीच में पता चला हमको 10 बजे कि मर्डर हो गया है। बाकी क्या संबंध है क्या नहीं, उसका साढ़ू साथ में था, वो साढ़ू वहाँ से पेट्रोल भराने जाता है, उसका CCTV में फुट जाता है। 5 लोग गोड़े पैर, रामविलास मिश्रा उसका नाम है, रामविलास दुबे है क्या, रामविलास मिश्रा है, वो साथ में था। तो वहाँ पेट्रोल पंप 3 किलोमीटर था, उसके दूरी 3 किलोमीटर थी, तो 55 मिनट लगा उसको आने में। तो रास्ते में गला घोट के मारे और फिर यहाँ जाके जब पनवार थाने में उस पत्थर पटक पटक के यहाँ दिखाए हैं, हमारा अनुमान ऐसा है। शंका आपको किसके ऊपर थी? शंका उसी साढ़ू वही मार भाई रामविलास। अब क्या है आगे कार्रवाई, आप क्या चाहते हैं? अब आगे कार्रवाई चाहते हैं, सारे मुलजिम पकड़े जाएं और क्या, उसको हत्या का आरोपी बनाएं, हत्या का आरोपी बनाया जाए। SP साहब के आश्वासन से मैं PM करवाया हूँ, सब लोग यहाँ पूरी जनता को मैं शांत कराया और SP साहब आश्वासन दिए हैं कि सारे मुलजिम आज पकड़े जाएंगे
यही मेरा कहना है, उसको मुलजिम बनाया जाए, कार्रवाई चाहता हूँ बस।